नमस्कार विद्यार्थियों एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज का जो हमारा विषय है वो है कक्षा दस जमा दो यानी प्लस टू क्लास का लेसन है काले में पानी दे इसका हम अनुवाद करेंगे तो भाई सबसे पहले इसके जो मुख्य कठिन जो शब्दार्थ हैं उनको हम पढ़ते हैं तो गुड़ धानी गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू है वो गुड़ धानी कहलाता है भाई तेरते हैं मतलब पुकारते हैं दस्तपा तपे दस दिन पखवारा पंद्रह दिन की अवधि पशु ढोर डांगर सतिया चिन्ह होता है भाई दे माने जल चढ़ाना होता है अरवा चावल भाई ऐसा चावल जिससे धान को बिना उबाले निकाला गया हो और हर छठ माने जन्माष्टमी के दो दिन पूर्व मनाया जाने वाला पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में से संबंधित है भुजा भाई भुना हुआ अन्न होता है और किला पस तोनावान हार जाना तो ये हमने इसके कठिन शब्द पढ़े और अब आइए पढ़ते हैं इसके ए, लेखक परिचय को पढ़ते हैं ये तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो इलाहाबाद में 1926 सौ ईस्वी में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है इनकी रचनाएं हैं कन्नु प्रिया सात गीत वर्ष ठंडा लोहा कविता संग्रह भाई बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता ये इनके उपन्यास हैं भाई गुनाहों का देवता पर फिल्म बन चुकी है अंधायुग है वो गीति नाट्य है अंधायुग इनकी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति है गीति नाट्य जो नाटक गा करके प्रस्तुत किया जाए गीति नाट्य होता है पशयंती कहनी अन कहनी मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है आ, बहुत ही प्रसिद्ध भी है ये इनको जो प्रमुख सम्मान मिले पद्मश्री व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले निधन इनका निधन है वो उन्नीस सौ में, में हुआ था भाई अपनी सहज प्रवृत्ति को मारो लेकिन उनके दास भी न बनो जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो फलीभूत होने दो पर यदि वे निरकुंशता से हावी होने लगे तो उन्हें भसम कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रणता भी रखो गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती की आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है उनकी कविताएं कहानियां उपन्यास निबंध संग्रह तीन नाट्य रिपोर्टाज हिंदी की, की उपलब्धियां हैं भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र मानवीय संकट और रोमानी चेतना के कलाकार रचनाकार हैं तमाम सामाजिकता एवं उदायित उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि रही है रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय में लय की तरह मौजूद है उनका स्वाभाविक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस एवं भावपर्वण प्रेम कथा है दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है तो ये बाद में बनी है पहले दोनों पर फिल्म बन चुकी है भाई इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रख के निम्न मध्य वर्ग की हताश आर्थिक संघर्ष नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य अनास्था मोभंग विश्वयुद्ध से उपजा हुआ डर और अमानवीय की अभिव्यक्ति अंधायुग में हुई है गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है मानवीय मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में आ, विवेचित करती है इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका पत्रिका धर्मयुग फिलहाल जो उसका प्रकाशन बंद हो गया है भाई के वे संपादक रहे रहते हुए भी पत्रकारिता को सजा संवार करके गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले में गामे में पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है विज्ञान अपना तर्क विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है इसी दुविधा को लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा प्रसंग में रचा है आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और कामकाज बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों पर आ, का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाए तो उत्सव दर भारतीय समाज चुप नहीं बैठता वह किसी जुगाड़ में लग जाता है प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और कष्ट निवारण की खोज करता है लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पर पानी मांगती चली जाती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे से सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है इसे किशोर का वितर्क नहीं विज्ञान वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़ते रहने रहते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का नए जन्म पाना अफसोस की ही कहा जा सकता है पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक क्रमकांडों और संस्कृति की घटना के रूप में रूप में हमें लगते हैं यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जान लेवाया नसल जाति मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका सिगर पतन निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव किया उचित है ऐसा करने से मैं क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है तो आइए देखते हैं काले मेघा पानी दे बहुत दिनों तक जब बरसात नहीं होती है तो छोटे बच्चों की जो टोली है वो गांव में पानी मांगती है लोग पानी के बाल्टी भर भर उनके ऊपर उलिझते हैं डालते हैं और जिससे वे गिले हो जाते हैं और गिले रेत में वो लोटपोट होते हैं तो उनका मानना है कि हम ये बच्चों की जो सेना है इंद्र भगवान के द्वारा भेजी हुई है और इनको हम पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी देगा यानी बरसात होगी हम लबालब हो जाएंगे तो लोग थोड़ा थोड़ा पानी जो बचा करके रखते हैं ना उस पानी को भी इन इं इंद्र सेना पर डाल देते हैं तो आइए देखते हैं किस प्रकार लेखक ने एक बरसात का और इंद्र सेना का जो समन्वय स्थापित किया है आइए देखते हैं और विज्ञान की जो चुनौतियां हैं वो भी किस प्रकार उनके सामने धराशायी रह जाती हैं तो उन लोगों के दो नाम थे इंद्रसेना या मेंडक मंडली क्या क्या नाम थे भाई या तो इंद्रसेना कहते थे या मेंढक मंडली बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत भाई जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर उनकी उछल कूद उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे वे उन्हें मेंढक मंडली की अगवानी गलियों से होती थी वे होते थे दस बारह वर्ष से सोलह अठारह वर्ष के लड़के सावला नंगा बदन सिर्फ एक जांगिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी एक जगह इकट्ठे होते पहले जयकारा लगता था बोलो गंगा मैया की जय बोलो गंगा मैया की जय जै। और जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते स्त्रियां और लड़कियाँ छज्जे बार जैसे झाँगने लगती और वह विचलित तो नंग दड़ंग टोली उछलती भाई एक साथ सवर में बोलना काले में गा पानी दे गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे गुड़ धानी दे काले में गा पानी दे काले काले बादलों से गुहार करते हैं प्रार्थना करते हैं कि काले बादलों हमें क्या दो पानी दो हमारे घड़े हैं वो फूटे मतलब बिल्कुल खाली हो गए हैं बैल प्यासे हैं हमें गुड़ और धानी गुड़ से बने हुए गुड़ और चावल के बने हुए लड्डू जो है ना वो हमें दो काले मेघा का पानी दे उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते धक्के लगाते हुए वे, वे लोग गली में किसी दो महले मकान के सामने रुक जाते दो महले भाई दो मंजिला मकान पानी दे मैया इंद्र से ना है और जिन घरों में आखिर ठेठ सॉरी आखिर आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को के सिर से पैर तक तर कर दिया जाता था, था या भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे पानी फेंकते हुए पैदा हुए कीचड़ में लतपत हो जाते थे हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल करके फिर हाँक लगाते थे बोलो गंगा मैया की जय और फिर मंडली बांध करके उछलते कूदते अगले घर की तरफ चल पड़ते थे बादलों को टेरते काले में का पानी दे वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में बुन बुन करके त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे होते थे जेठ के दस दफा बीत करके आषाढ़ का पहला पखवारा गया था यानी देश जेठ के नवाई दस दिन बीत चुके थे और अगला पखवाड़ा जो वो है ना आ गया था यानी बीत चुका था आ, पर स्टेज पर कहीं भी यानी आसमान में कहीं भी बादल की रेखा है ना वो दिखाई नहीं देती है कुएं सूखने लगते हैं नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और आता है तो भी आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी यानी खोलता हुआ बहुत गर्म पानी शहरों की तुलना में गाँव में और भी हालत ख़राब होती थी जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख करके के पत्थर हो जाती थी फिर उसमें पपड़ी पड़ पड़ करके ज़मीन फटने लगती थी लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खा करके गिर पड़े ढोर डांगर प्यास से मारे मरने लगते थे लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान शब्द करके लोग जब हार जाते थे तो अंत में अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांध करके कीचड़ में लथ निकलती पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गालों को गालों और सूखे होठों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर के टिक गया हो बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की यानी लेखक अफसोस महसूस कर रहा है कि ऐसा जो है ना कड़ा समय होता है जब पानी के लिए है ना बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं और ऐसे समय में भी लोग है ना पानी अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हैं और बेवजह ही अनायास इंद्र सेना कहलाने वाले बच्चों के झुंड पर डाल देते हैं कि कितनी स्थिति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं नहीं यह सब पाखंड है अंधविश्वास है ऐसे ही धर्म अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए मैं असल में था तो इन्हीं में मंडली वालों की उम्र का पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा अध्यक्ष कायम हुई थी उसका उपमंत्री बना दिया गया था सो समाज में सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख के घूमता रहता था मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिसमें सबसे ज्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। जी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी पर अपने लड़के बहू सबको छोड़ के उनके प्राण मुझ में ही बसते थे और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों थी बड़ी थी अपने बहु लड़के बहु सब को छोड़कर उनके प्राण में बसते थे थी उन तमाम रीति रिवाजों तीज त्योहारों पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था दीपावली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन की और सत्या बनाने में लगा हूँ जन्माष्टमी है तो रोज आठ दिन के झाँकी तक के सजने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ पंजीरी भाई जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ना कसार होता है इस टाइप ही है ना सूखे आटे को है बगैर कुछ उसमें घी वगैरह मिलाए भुना जाता है और उसमें फिर चीनी मिलाई जाती है पंजीरी बनती है उसे हर छठे है तो छोटी रंगीन कुलड़िया में बुझा भर रहा हूं बुझा जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया था भाई भुना हुआ अनाज किसी में भुना हुआ चना किसी में भुनी मटर तो किसी में भुने अरवा चावल यानी जो बिना उबाले जो निकाले जाते हैं ना भाई बताया था पीछे किसी में भुना हुआ हूँ जे जी, जी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले केवल मुझे लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इन गंदी मेंढक मंडली पर जब जीजी जी बाल्टी भरकर पानी ले गई उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे हाथ काँप रहे थे तब मैं अलग मुँह फैलाए खड़ा था शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उनके उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया मुंह फेर करके बैठ गया जीजी ने से बोला भी नहीं पहले वे भी तप तमाई लेकिन ज़्यादा देर तक उन उनसे गुस्सा नहीं रह गया पास आकर के मेरा सर अपनी गोद में रखकर कर बोली देख भैया रूठ मत मेरी बात सुन यह सब अंधविश्वास नहीं है हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे मैं कुछ नहीं बोला फिर जीजी बोली तू इसे पानी की बर्बादी समझता है पर यह बर्बादी नहीं है यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं अर्ध चढ़ाना चढ़ावा जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे यानी कि इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे होगा इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जी जी क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे आप तब आप कीचड़ में पानी तब आप कीचड़ में बहाओ कुछ देर चुप रही जी जी फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली देख बिना त्याग के दान नहीं होता अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से तू दो चार रुपए किसी को दे दे तो यह त्याग हुआ त्याग तो क्या त्याग हुआ त्याग तो वह है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है उसकी जिसकी तुझको भी जरूरत है तो अपनी जरूरत पीछे रख के दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग तो वही होता है दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है फल वल कुछ नहीं मिलता सब ढकोसला है मैंने कहा तो आ, पर कहीं कहीं मेरे तर्कों का किला पास्त होने लगा डहने लगा यानी मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही मगर मैं भी जिद पर अड़ा था फिर जीजी जी बोली देख तू तो अभी भी पढ़ लिख गया है अभी आ, पढ़ लिख गया है मैंने तो गांव के मंदरसे का भी मुंह नहीं देखा गांव में जो छोटा स्कूल होता था उसे मंदिर कहते थे भाई पर एक बात देखी है कि अगर तीस चालीस मन गेहूं उगाना है तो किसान पांच छह शेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारिया बना करके फेंक देता है उसे बुआई कहते हैं यह जो सूखे हम अपने घर का मकान घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भाई वह भी बुआई है यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी हम बीज बना करके पानी देते हैं फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं तब ऋषि मुनि कह गए सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद को खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना आठ गुना करके लौटाएंगे भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिसमें सबका आचरण अच्छा बन जिसे सबका आचरण अच्छा बनता है यथा राजा तथा प्रजा यानी जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा भी होगी यह तो हर आदमी का आचरण है आ, सच यह नहीं है यह सच यह भी है कि प्रजा यथा प्रजा तथा राजा यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं यह महात्मा गांधी की चर्चा की गई है जी जी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी इन बातों को आज पचास से ज़्यादा बरस होने को आ गए हैं पर जो कि तो मन पर दर्ज हैं कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं हम आज देश के लिए क्या करते हैं मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं और त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है हम चटकारे लेकर के इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने सतर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं काले मेघा दल के दल उमड़ रहे हैं पानी जमा जम बरसता है पर गगरी फूटे की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं आखिर कब बदलेगी यह स्थिति तो ये काले मेगा पानी दे हमने लेसन पढ़ा इसमें विज्ञान और जो है ना अनपढ़ता का जो है ना समन्वय दिखाया गया है किस तरह से वैज्ञानिक चर्चाएं लेखक के द्वारा की गई हैं और दूसरे प्रसंग में जीजी को उसने लिया है और जीजी ने किस तरह से बताया है कि जब तक हम नहीं देंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा तो अनपढ़ होते हुए भी जी जी के मुंह से ये कहवाया गया है कि भगवान या देवताओं ने भी कहा है जब तक हम नहीं देंगे तो हम कुछ पा नहीं सकते हैं तो इस तरह से आखिर में लेखक ने छोड़ दिया है पाठक पर ही कि भाई ये चीज़ें आ, काले में गा के दल कब उमड़ेंगे पानी झमाझम बरसेगा यानी बरसता है गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के पैसे रह जाते हैं आखिर हम अपना सर्वस्व लुटा भी देते हैं और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होता है तो इन्हीं मन स्थितियों को प्रश्न प्रस्तुत करते हुए लेखक ने इस पाठ का समापन कर दिया है तो विद्यार्थियों अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नों के साथ तब तक के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें साथ में रखे घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके जय हिंद जय भारत